दोस्तों ये रखा गया है गायों के लिए, यानी कि अपने पालतू जानवरों के लिए घास टूंका लगा के। तो वीरेंद्र भी जा रहा है नेरी नेरी गांव। तो दोस्तों गांव में पहुंच चुके हम, थोड़ी देर हमारे को यहाँ काम है, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि कुल्लू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त लगबेली के खूबसूरत गांव नेरी गांव में, और सामने पहाड़ों में आपको दिख रही होगी बर्फ, और मौसम बिल्कुल साफ मौसम। इस वक्त मैं आया हूँ लगबेली में। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों ये लगबेली, लगबेली की खूबसूरत जगह सामने पड़ा आपका लगबेली गांव, और उस गांव का नाम है, एक कड़ौन है और दूसरा है आपका डली घाट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों इस वक्त लगबेली, और सामने पूरे खेतों में जो है बर्फ पड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी लगबेली के खूबसूरत नज़ारों के बीच। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। तो सामने है लगबेली के खूबसूरत पहाड़ जो कि बर्फ से लदे हुए हैं। तो बर्फ के मजे लो दोस्तों, ये है बर्फ। तो दोस्तों एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये है चक्की, यानी कि स्पेन, जो स्पेन जिससे जो सामान ऊपर से नीचे को लाया जाता है, इसमें इसको घुमाया जाता है, फिर इससे जो सामान जो है नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है घुमाकर। यहाँ से जो है सामान जो नीचे को पहुँचाया जाएगा, और नीचे का सामान जो है ऊपर को लाया जाएगा इसमें भरकर। तो दोस्तों गांव के लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए और भेड़ों को चराते हुए तो दोस्तों ये है बगीचा, और इसमें बर्फ जो खूब बर्फ है बिछी हुई बगीचे में। दोस्तों अभी आ रहा हूँ बगीचे की तरफ, वैसे ही घूमने के लिए आया हूँ, थोड़ा चलते हैं अभी। थोड़ा फिसलदार है, फिसल गए तो सीधे नीचे नाले में। तो दोस्तों ये रखा गया है गायों के लिए, यानी कि अपने पालतू जानवरों के लिए घास टूंका लगा के, इसको बोलते हैं टूंका, क्योंकि सर्दियों में काम आता जानवरों के लिए खाने के लिए। तो बोलते हैं जोड़ी, यानी कि इसको काट जो जानवरों को खाया जाता है। तो यहाँ है सलाठे छली के। तो दोस्तों सामने वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो है माउंटी नाग। ये पड़ा आपका माउंटी नाग, ऊपर माउंटेन में बर्फ पड़ी, और पीछे दिख रहे मणिकरण के पहाड़ जो कि बर्फ से लदे हुए। यह लगबेली का नज़ारा, लगबेली का खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। धूप भी खूब अच्छी लगी हुई है। तो अभी जो दोपहर का एक बजने वाला है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों लगबेली की इन खूबसूरत वादियों के बीच। आज बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। दोस्तों चल पड़े घर की ओर वापिस, निकलते हैं घर की ओर। आपका खूबसूरत नजारा लगबेली का। तो चुके रुजग में,
और यहाँ पर मार्को मिल गए हैं बड़े शोर के, बड़ा शोर के घूमते थे। और फिर दोस्तों मिला सब वीरेंद्र, इसकी ड्यूटी है यहाँ पर पशु विभाग में है इसकी ड्यूटी। तो अभी जा रहा है नेरी के लिए, यहाँ से हम आए जिस गांव से, तो वीरेंद्र भी जा रहा है नेरी गांव। तो इसकी यहाँ पर देख ड्यूटी है इसकी पर। दोस्तों ये है रुजक, और यहाँ पर इस वक्त जो ठंड बहुत है, धूप है सामने वाली पहाड़ी पर, तो यहाँ धूप कम है तो ठंडा जो है बहुत है इधर। तो दोस्तों धूप ना होने के कारण यहाँ जो है ठंड बहुत है, तो धूप तो सामने वाली पहाड़ी पर है और यहाँ पर जो पेड़ों के बीच में जो धूप नहीं है तो ठंडा यहाँ बहुत। तो अभी निकल रहे हैं घर की ओर, सामने होगा हमारा ऑटो, देखते हैं ऑटो कहाँ लगा है। तो उधर तक अभी थोड़ा पैदल चलना है ऑटो तक। तो दोस्तों यहाँ सामने लगा है ऑटो, तो चलते हैं ऑटो में बैठते हैं फिर निकलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों घर पर पहुंच चुका हूं, तो अभी पहुंचा हूं घर पर लगवेली से। यहाँ है ब्रूनो, ब्रूनो को आपको दिखाते हूं। आजा 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 किधर है ना, टिक 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 आजा। दोस्तों तो धूप जो ठीक ठाक लगी है और गर्मी का एहसास हो रहा है। Look at you.